हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फैक्टिन इशू। फैक्टिन इशू क्या होता है? फैक्टिन इशू जो है डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं या कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे पार्टीज क्या करती है, कोर्ट में आर्ग्यू करती है। एक पार्टी जो प्लेंटिफ है वो एलिगेशन लगाता है एंड डिफेंडेंट उसको डिफेंड करता है। तो जिस फैक्ट पे वो लोग एलिगेशन लगाते हैं, डिफेंड करते हैं, उसको फैक्टिन इशू बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने बोला कि मिस्टर बी ने उसका पर्स चोरी किया। अब अगर मिस्टर बी जो एक्सेप्ट कर लेता है तो ये फैक्ट है, एंड मिस्टर बी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये फैक्ट इन इश्यू होता है। फिर कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है एंड जब कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे देता है तो वो फैक्ट इन इश्यू जो है फैक्ट बन जाता है। जैसे हम पेटिशन और एप्लीकेशन में भी देखते हैं कि पहले जो प्लेंटिफ है एप्लीकेशन में पहले अपने बारे में कुछ बताता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना एड्रेस वगैरह बताता है, तो वो सारे फैक्ट्स होते हैं। लेकिन जैसे ही वो एलिगेशन लगाता है एंड डिफेंडेंट उसको डिनाई करता है तो वो जो होते हैं वो होते हैं फैक्ट।